मृत सैया में अग्नि लगाने के लिए। सजनों, जैसे धुआं ऊपर की तरफ चलिया, हरिश्चंद्र ने देखा कि शमशान घाट में धुआं। किसने हिमाकत की तेरे बिना पूछे मरघट का टैक्स दिए बगैर? किसने गलती की जो आज चोरी चोरी चुपके चुपके कौन इस शमशान घाट में मुर्दा फूंक रहा है? सजनों, नंगे पैर हाथ में लंबा सा बांस हरिया दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आकर के अग्नि को बुझाया। अग्नि को बुझा करके आंखें लाल क्रोधित हो गया हरिया, क्योंकि मालिक का हुक्म था, हुक्म है हजूरी। सजनों, दुखिया से किस तरह से पूछता है, आइए यहाँ के सवाल और जवाब कवि ने किस तरह से लिखे हैं मेरे माध्यम से और राधा चौधरी के माध्यम से। जोरदार ताली दोनों बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। आइए सुनिएगा, ये माही चैनल प्रोड्यूसर रणवीर नौताना और एमजी रिकॉर्ड से भी पहले 100 रुपए आए थे, मैं उनका सभी का बार बार धन्यवाद करता हूं। आइए किस तरह से सवाल जवाब होते हैं दोनों के बीच में सुनिएगा। आइए, ऐ दुखिया, शमशान घाट में मुर्दा फूकने वाली दुखिया, क्या तुम्हारा नाम और क्या तुम्हारा गांव है और ये मुर्दा किसका फूकने जा रही है चोरी चोरी चुपके चुपके? की बांस उठाया, की बांस उठाया, चिता धोरे आया, अरे भेद नहीं पाया कैसे कर दी धुआंधार, अरे बोलती ना चालती के गूंगी होगी नार। मुझे जवाब दीजिए, आखिरकार तुम कौन हो? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, आप मुझे नहीं जानते? मैं नहीं जानता किसी। महाराज, मैं कोई और नहीं, और नहीं, आपकी तारा रानी हूं। और ये जो जमीन पर लाश देख रहे हो, ये भी किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है। रोहतास? क्या मेरे बेटे रोहतास की लाश? हाँ। खैर, जो मालिक करता है वो सोच समझ कर ठीक करता है। जो जीव आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, जितने जिसके सांस हैं वो पूरे कर जाता है। मेरे बेटे के सांस आज तक के लिए होंगे। इस लाश को यहाँ जलाना चाहती हो? हाँ महाराज। इस शमशान घाट का एक नियम है। नियम? हाँ, एक कानून है, एक रूल है। कैसा नियम? यहाँ जो भी मुर्दा फूका जाता है, हाँ, मृत घाट का टैक्स 125 रुपया जमा किया जाता है, और बिना कफन के, बिना लाश के ऊपर कफन डाले यहाँ कोई मुर्दा भी नहीं जलाया जाता। ना तो लाश के ऊपर कफन है और ना तुमने मरघट का 125 रुपया टैक्स दिया, ये लाश बिना टैक्स और बिना कफन के यहाँ नहीं जल सकती। महाराज, मैं नहीं जानती कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे होते हैं। आज मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा इकलौता बेटा इस संसार को छोड़ करके जा चुका है। महाराज, मेरे पास में अपने बेटे की कफन में देने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज, एक फूटी कड़ी भी नहीं है मेरे पास। कुछ भी नहीं है तो उठाओ ये लाश, उठाओ ये लाश और शमशान घाट से बाहर हो जाओ। कहाँ जाऊं महाराज? कहीं और जाकर के लाश फूंक लेना, किसी नदी नाले में बहा लेना। लाश उठा लो, वरना मार करके धक्के दे दे करके धक्के तो मैं शमशान भूमि से बाहर कर दूंगा। महाराज, ये रोहित आपका भी तो कुछ लगता है। अरे, आपका बेटा है जिसे आपने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, और आज आप कह रहे हो कि मैं इसे यहाँ से ले जाऊं। महाराज, ले जाइए, उस दुखिया पे रहम कीजिए। महाराज, रहम कीजिए। नहीं नहीं, कोई रहम नहीं है और मेरे से हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। ओ जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
आज तुम्हें अपना काम पड़ा है तो ये कहती हो कि जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में। हाँ पिया जी। उस दिन को भूल गई। कौन सा दिन? बहुत जल्दी भूल गई कि मेरे याने सयाने तो रोहित सुत की मात निशानी बन बैठी। नहीं। मेरे याने सयाने रोहित सुत की तू मात निशानी बन बैठी। नहीं। तने बेटे पे दिया छुरा फेर तू आप कसानी बन बैठी। नहीं महाराज। तने मेरे दिल में छेद किए मरने की कमानी बन बैठी। तने मुझको पागल समझ लिया तू आप दीवानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई जिस दिन मिसरानी बन बैठी। जिस दिन मिसरानी बन बैठी। मजबूरी थी महाराज, मेरी बातें सुनिए। सुनाइए। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी। नहीं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। वो शकात पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। तेरी नजर में भांगी हूँ, मेरा नारा जा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भांगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कहले मैं तेरी अर्धांगी हूँ। यूं कहती न घड़ा उठाऊं मिसरानी सत्संगी हूँ, मिसरानी सत्संगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। नदी के किनारे की बात को याद कर ले तारा, कल उस दिन तेरी बारी थी तो आज मेरी बारी है। मेरे घड़े को हाथ लगाने से कल तुम्हारा धर्म घटता था, आज बिना टैक्स के बिना कफन के अगर ये मुर्दा जलवा दूं तो आज इस हरिश्चंद्र का भी सत्य और धर्म घटता महाराज। लाखों सामंत की मैंने घड़े उठाने के लिए। जब आज मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके गया ना, तो मैंने अपने मन के अंदर बस यही सोचा था कि किसी भी चौराहे पर अगर आप मुझे मिलोगे तो इस दुख की घड़ी में आप मेरा साथ दोगे। लेकिन आपने तो एक नया इतिहास मेरे सामने रख दिया महाराज। हाथ घड़े के लाया ना, तूने हाथ घड़े के लाया ना, मैंने विधि बता के चली गई। हाथ घड़े के लाया ना, मैंने विधि बता के चली गई। तूने मेरा घड़ा नहीं खाया, तू अपना खा के चली गई। भला उस दिन को क्यों भूल गई
बला मोड़ बांध के ब्याही थी, उस दिन पीठ दिखा के चली गई, उस दिन पीठ दिखा के चली गई। मेरी मजबूरी थी महाराज, मैं भूल नहीं सकता घाट की बात। सुनिए, सुनाइए। के बिन ना फूकन दियूं लाश तने, ए सवारू प्यारे रे कफन के बिन ना फूकन दियूं लाश तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में, उस घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, जोर क्यों जमावे पिया, वाणी तेरी आदरणीय हमारे फूफा जी रामजस यादव जी, इस गंभीर लागणी पर 1,000 रुपए से हमारी पार्टी का, हम दोनों कलाकारों का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां, वरना नदी के किनारे पर तुमने मेरा घड़ा तो नहीं उठाया, लेकिन एक विधि बता करके मेरे सर पे एहसान जरूर किया कि छाती छाती जल में बढ़ जाइए और नीची नाड़ झुका करके अपना घड़ा उठाइए। वो एहसान मैं बुला नहीं सकता, आज उसके बदले मैं तुम्हें एक विधि बताता हूं। विधि? 1,000 रुपया मरघट का टैक्स देने को तुम पर नहीं है, नहीं है। पुत्र की लाश के ऊपर कफन डालने के लिए कफन भी नहीं है, नहीं है महाराज। 1,000 रुपया के बदले, हाँ 1,000 रुपया के बदले कोई भी वस्तु अपनी मेरे पास गिरवी रख दो। अच्छा, जब 1,000 रुपया हो जाए तो शमशान घाट में आ जाना और दे करके 1,000 रुपया अपनी रखी हुई वस्तु वो छुड़ा ले जाना। ये एक छोटा सा सरल सा उपाय मेरी नजरों में, मेरी समझ से तुम्हें बता रहा हूं। अगर ये भी नहीं है तो किसी भी सूरत में इलाज यहां नहीं जल सकते महाराज, क्योंकि मेरे पास, मैं मजबूर हूं, मुझे मालिक का हुक्म बजाना है। मैं जानती हूँ सारी बातों को महाराज, लेकिन आपसे सिर्फ यही विनती, यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो आपने मेरे इस बेटे की चिता को बखेर दिया लात मार के महाराज, मुझ पर रहम कीजिए। ये रोहतास साहब का भी बेटा है, बड़े लाड़ और चाव से हमने अपने बेटे को पाल पोष करके बड़ा किया महाराज, इस पर रहम कीजिए और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कही अपने बात सुनिए। सुनो तारा बोलिया खीर मेरा, कर मर घटे कना छोटू, सुनो तारा बोलिया खीर मेरा, चाराने में गड़ की कंठी और 1 रुपए में चीर ले लीजिए महाराज, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। दोबारा कह करके बताइए। चाराने
राजा जी मेरा इसे जानता है, इसे जानता है तो दे दूंगा इसमें के साजा सी मेरा इसे जानता है तो दे दूंगा इसमें के साजा सी मेरा किस तरिया जलाऊं कुल की किस तरिया जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं निशानी तेरी मैं घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं श्रोताओ 100 रुपये में 4 आने में गले की कंठी और 1 रुपये में रानी के सिर का आधा चीर। रानी ने आधा चीर फाड़ करके 1 रुपये में तो अपने चीर रख दिया और 4 आने में गले की कंठी रख दी। 100 रुपये के बदले चीर और कंठी दे दिए और आधी साड़ी अपने बेटे के ऊपर कफन के रूप में डाल दी। सजनों क्या बीती होगी उन लोगों पर, ऐसा दृश्य आपने देखा होगा। आप तो सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, लेकिन उनके दिल पर जब बीती होगी तो कैसा पहाड़ टूटा होगा। एक बार उन सत्तधारियों के लिए जोरदार ताली बजा दे, एक बार जोरदार। सजनों आज के जमाने में ये इतिहास हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मार्गदर्शन सत्य पर चलना सिखाता है ये इतिहास। 100 रुपये में 100 रुपये मरघट का टैक्स लेकर के यानी 4 आने में गले की कंठी 1 रुपये में चीर लेकर के हरिश्चंद्र जैसे ही 3 कदम आगे की तरफ रखता है, सजन उस छत्रधारी की आंखों से टप टप आंसू बह गए। रोने लगा, रे मालिक आज तूने कैसे मोड़ पर ला करके इस हरिश्चंद्र को खड़ा किया, आज मरघट के टैक्स के रूप में अपनी रानी के 4 आने में गले की कंठी और सिर का चीर लेकर के अपने मालिक के पास चल दिया। यूं कहने लगे, अरे ले रानी का चीर। हरिश्चंद्र वहां से चालन लग गया। जब ले रानी का चीर हरिश्चंद्र वहां से चालन लग गया और शमशाना में नाड़ उघाड़ी तो हृदय हलन लग गया। रोने लगा छत्रधारी और रानी तारा रोती रोती क्या कह रही है, आखिरी 4 लाइनों में क्या बता दिया भाई। परमेश्वर उससे ढाल रही है तू, वो जिस ढाल रखे परमेश्वर उससे ढाल रही है तू। शीश झुकई है तू, ए नई बस्ती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकई है तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं, और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।